झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बाबत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि पिछले दो दिनों से धमकी मिल रही है। धमकी भरे पत्र और 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बातचीत की हमारी संवाददाता करिश्मा ने। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को पिछले दो दिनों से धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। आखिर उस पत्र में क्या कुछ है, इस वक्त हमारे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मौजूद है। अमीनी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, पत्र मिल रहे हैं वो भी धमकी भरे, दो विषय का मामला जो है वो सामने आ रहा है, एक अनुदान बढ़ाने का और दूसरा 1932 को लेकर। क्या कुछ है पत्र में लिखा हुआ? अनुदान बढ़ाने का जहां तक सवाल है, इसमें हमको लगता है कि कोई दम नहीं है। अनुदान तो हम यदि टीचर लोग का जो हमारे शिक्षक लोग हैं वो लोग में दम नहीं है और बुद्धिजीवी लोग हैं, इस तरह का पत्र नहीं करेंगे। कुछ मंत्री लोग का है जो इस तरह का पत्र में लिखा है। 1932 हम मान सकते हैं, कुछ लोग को नहीं पच रहा है। तो यदि जगन्नाथ महतो को मार देगा तो 1932 खत्म हो जाएगा, खत्म होना वाला चीज नहीं है। वो लोग यदि दिमाग में उस तरह है, दिग्भ्रमित है, तो उसको छोड़ दे। 1932 तो लागू होगा, हम लोग ने कर भी दिया है। 1932 का चिंता खत्म करे लोग, और हम घबराते नहीं हैं, फेस करते हैं। सर, कई डिग्री कॉलेज का भी नाम आया है कि कई डिग्री कॉलेज में बिहार उत्तर प्रदेश के कई जो लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। देखिए, जानकारी के अभाव में उस तरह की बात हम नहीं बोलेंगे। डिग्री कॉलेज मेरे विभाग में नहीं है, पहला वो उच्च शिक्षा में है, तो उसमें हम क्या अनुदान बढ़ा सकते हैं? वो महामहिम का चीज है, सरकार का चीज है, वो देखते हैं डिग्री कॉलेज। मतलब जो धमकी दे रहा है उसको लैक ऑफ नॉलेज है? कोई नॉलेज ही नहीं है। डिग्री कॉलेज क्या है, इंटर कॉलेज क्या है, कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन उसमें शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का भी नाम है, मुर्दाबाद का उन्होंने नारा भी उसमें लिखा हुआ है। इसमें भी लिखा हुआ, इसमें भी लिखा है, लेकिन उनके बारे में हम कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। हम चर्चा नहीं करेंगे उसके बारे में। तो हम अपने विषय, हमने आगे देखिए कोई भी चीज हम अपने से फेस नहीं किया, क्या हम संवैधानिक पोस्ट में जुड़े हुए हैं तो हम ही काफ़ी हैं फेस करने के लिए। आज तक किए हैं और करते रहेंगे, लेकिन संवैधानिक पोस्ट में है, एक मंत्री के रूप में है। हमने SP को रात को बोला है, इसको जाँच कीजिए। बोकारो SP चंदन झा को भी आपने तमाम चीज़ों की जानकारी दी है, उन्होंने कहा है उचित कार्रवाई की जाएगी। आपके आवास के बाहर भी कई जवानों की तैनाती की गई है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। देखिए, सुरक्षा देना उनका काम है, कैसे देंगे नहीं देंगे उनका काम है, लेकिन उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। जांच करने कहा हमने, जांच करे, जो आएगा उस पर यदि है उत्तर कार्रवाई करें। इस तरह का पत्र लिखकर माहौल कर। झारखंड के शिक्षा और मध्य निषेध उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चंद्रपुरा थाना प्रभारी कार्तिक महतो ने आवासीय कार्यालय पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो ने बताया कि पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई है, भरोसा है कि शीघ्र ही धमकी देने वाले का खुलासा होगा। कहेंगे कि जो भी ऐसे असामाजिक तत्वों ने जो चिट्ठी भेजी है ये तो सरासर बहुत ही निंदनीय है, और इस राज्य में ऐसा शिक्षा मंत्री कभी नहीं मिलेगा जो इस तरह अपना काम के कर रहे, पूरा चर्चा में है पूरा राज्य में। ये पच नहीं रहा विपक्षियों को, और जो भी है इस तरह के काम कर रहे हैं वो प्रशासन को सूचना दे दी गई है, वो अपना जाँच कर रही है, जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। सूचना प्राप्त हुई है कि डाक के माध्यम से धमकी भरा पत्र इनको भेजा गया है माननीय मंत्री जी को, अब इस पर जांच चल रही है।
पता लगा रहे हैं कि ये किसका कृत्य है? ये जो है दूसरी चिट्ठी है, सूचना ऐसे इससे पहले दो दिन पहले भी एक चिट्ठी मिला था। लेकिन इसके संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी गई थी हम लोग को? इसकी सूचना कल रात को मिली, इस प्रकार के जो है पत्राचार किया गया है, फर्दर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।